मुश्किल सवाल है। मेरे मुस्तकबिल की बर्बादी का जो भी जिम्मेदार है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। सब के सब बिके हुए हैं। घर चलो। घर? कौन सा घर? ना अब मेरा कोई मुस्तकबिल है और ना कोई घर। अब विनी कहाँ है? विनी, अब इस दुनिया में नहीं है। चलो तुम्हें जगरान की याद तो आई। पियोगे कुछ शराब? बारिश बड़ा मजा आएगा। शराब तो उसके साथ पी जाती है, दुश्मन के साथ नहीं। बड़ा जज्बाती बातें देगा, वापस आ जाओ। मैंने तो तुझे खिलौनों से खेलना सिखाया था, ये तुझे जिंदगियों से खेलना किसने सिखा दिया? मेरी तबीयत को छोड़ो लैला, अब तुम देखना कि मैं उस बदमाश टॉली की तबीयत कैसे साफ करता हूँ, तुम जरा देखना। हाँ, पहले तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए, फिर हम दोनों मिलकर प्लान बनाएंगे कि तुम्हारे दुश्मनों से कैसे इंतकाम। तो मेरा साथ दोगी? अच्छा, तो तुम दोनों नमक हरामी हो, इस फ्रॉड में शामिल हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं एसएम शाकिर। आज जिस सेलिब्रिटी से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, उनका ताल्लुक शोबिज से है और मुतअद्दिद फिल्में ये प्रोड्यूस कर चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में जो प्राइवेट चैनल्स की बुनियाद है वो इन्होंने रखी। इन्होंने 3 टीवी चैनल्स जो है वो उनकी बुनियाद रखी और उनको रन किया। और इसके अलावा शोबिस के हवाले से इनकी बेशतर और बेशुबहा खिदमात हैं और नाम है उनका राशिद ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने हमें टाइम दिया और हमें मौका दिया कि हम आपसे कुछ सवालात करें, क्योंकि जो नाज़रीन हैं इस वक्त पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान का शोबिस का जो इमेज है उसके बारे में बड़ा परेशान रहते हैं, ख़ास तौर पे फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से। तो आप जैसे जो जहांदीदा लोग हैं, हम उनसे फ़िल्म के हवाले से आज हम बात करेंगे और दीगर चीज़ों पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा अपना इब्तदाई कैरियर के बारे में बताएं कि आप किस तरह से ये फ़िल्म इंडस्ट्री से और ये जो टीवी इंडस्ट्री है शोबिज इंडस्ट्री से जुड़े। ठीक है जी, हम सब लोग जिन्होंने स्टार्ट लिया था NTM से, हम सब एडवर्टाइजिंग के लोग थे। ताहिर खान, अमजद हरियानी, मैं, फैसल शेरजान, हम सब एडवर्टाइजिंग से आए थे और हमने मिल के ये NTM लॉन्च किया था। सो मेरा ताल्लुक एक हद तक उस तरह से था कि कमर्शियल्स की दुनिया से ताल्लुक था, तो उसकी वजह से फिल्म और ये मेरा हमेशा से पैशन था। तो वो सब मिलजुल के एक रास्ता बनता चला गया और कड़ियाँ मिलती गईं और फिर मैं एंड में फिल्में भी बना रहा था और टेलीविज़न की साइड पे भी आ गया। मतलब आपका, आपके फैमिली के कोई इससे पहले इस इंडस्ट्री से कोई नहीं था? फैमिली में एक दो लोग थे, लेकिन एज सच मुझसे एज में बहुत फ़र्क था उनका। ख्वाजा खुर्शीद अनवर इज़ माई फर्स्ट कज़न, रज़ा मीर मेरे खाला बहन के हस्बैंड थे। तो मतलब एक ताल्लुक तो था उस तरह से, एक इंटरेस्ट था मेरा डेफिनेटली। बट आप अगर कहें कि उनकी वजह से मैं आया, तो नो, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा अपना बचपन से एक पैशन था फिल्मों का। ऑल्दो मैं टेलीविज़न में आया, मैं टेलीविज़न खुद इतना देखता नहीं हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है टेलीविज़न में, उसकी फेस जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं टीवी इतना देखता नहीं, बट प्रोफेशनली मुझे इतनी ज़रूरत है उतना मैं डेफिनेटली देखता हूँ, मैं मॉनिटर करता हूँ, और अगर कोई चीज़ हिट होती है, कोई बड़ी चीज़ आ रही होती है, उसको मैं डेफिनेटली देखता हूँ। लेकिन मैं अपनी नॉलेज के लिए देखता हूँ, उसको इन्जॉय करने के लिए देखता। जहाँ तक फिल्मों का ताल्लुक है, वो मैं इन्जॉय भी करता हूँ, उसको देखना मेरा, मैं एक आप कह लें कि मेरा पैशन है।
एक दौर था कि हम देखा करते थे पीटीवी, और पीटीवी के अलावा हमारे पास कोई और चॉइस नहीं हुआ करती थी। और उसके बाद ये किस तरह से आपके जहन में ये ख्याल आया कि आपने एनटीएम की बुनियाद रखी, और उसके बाद 2-3 टेलीविज़न जैसे एटीवी की आपने बुनियाद रखी, और ये किस तरह से आपने ये आइडिया लिया? देखिए जी, बुनियाद की जहाँ तक बात है ना, ये बुनियाद हमने नहीं रखी थी, ये बीबी की गवर्नमेंट थी उस वक्त, और उन्होंने ये डिसीजन लिया था ओके कि एक प्राइवेट चैनल आना चाहिए। ये प्योरली उनका डिसीजन था, और उस डिसीजन को फिर एग्जीक्यूट हमने किया। और हमारे साथ पीटीवी का कोई शख्स नहीं था, एक साथ थे जो उस वक्त तो कोई इतना पीटीवी में भी बहुत अहम पोजीशन पे नहीं थे, ताजदार आलम, बट हमारे साथ उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, और ही वॉज़ दी ओनली वन कि जो हम बिल्कुल एक फ्रेश माइंड के साथ हम सब आए थे, और हमने हर चीज़ जो है वो बिल्कुल एक नई सोच के साथ की थी उसमें। तो एनटीएम का सिलसिला वो फिर क्यों रुक गया और वो क्यों डिसकंटिन्यू हुआ? देखिए उसका तो खैर बहुत सारे वजूहत हैं, आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस इस वक्त के वो क्या हुआ, लेकिन वो किसी बैरूनी उसकी वजह नहीं थी। इनसाइड आप ये कह सकते हैं कि जो 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 पार्टनर्स थे उनके दरमियान इख्तलाफात ऐसे हुए कि वो फिर चैनल ही बंद हो गया। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा ये पैशन है फिल्म, तो जब हमने ये चैनल ही शुरू किया तो हमारे दिमाग में ये चीज़ थी कि हम चूँकि पीटीवी पे फिल्में नहीं दिखाई जाती थी, और सिवाय एक वो चित्रहार एक प्रोग्राम होता था जिसमें गाने दिखाए जाते थे, और वो भी ज़्यादातर पुराने गाने होते थे, तो हमने जब स्टार्ट ही लिया तो उस वक्त ये हमारा जहन बड़ा क्लियर था इस मामले में कि हम फिल्में दिखाएंगे, और हम नए गाने दिखाएंगे, और फिल्मों को प्रमोट भी करेंगे, जिसकी वजह से ये एक ज़रा से टेक्निकल चीज़ है कि जब आप फिल्म को एक चैनल प्रमोट करता है तो उसको वो कंटेंट मिल रहा होता है जो वो ख़ुद क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि फिल्म जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है ड्रामे के मुकाबले में। तो आपको एक एक्सपेंसिव, अब मैं मिसाल आपको जैसे तो ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगी कि शाहरुख खान को तो कोई चैनल अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपने ड्रामे में उसको ले, तो शाहरुख खान को कैसे दिखाएंगे आप अपने टीवी पे, उसके गाने कैसे दिखाएंगे, उस म्यूज़िक को कैसे दिखाएंगे? तो आप फिल्मों को प्रमोट करते हैं तो आपको एक मौका मिलता है उसको दिखाने का, उस कंटेंट को दिखाने का जो आप ख़ुद क्रिएट नहीं कर सकते। चैनल्स के ये बजट नहीं होते कि वो इस लेवल फिल्म के मुकाबले में कंटेंट प्रोड्यूस कर सके। ये एक ज़रा सी बारीक सी बात थी जो मेरे ख्याल में जिस एग्ज़ाम्पल के साथ मैंने दी है वो अब शान है, वो टीवी पे चैनल्स में काम नहीं करता, अब फवाद है, उसने जब से वो हिट हुआ है उसने छोड़ दिया काम, तो आप कैसे लाएंगे? यहाँ अगर आप किसी को लेंगे तो वो इतने पैसे मांगेगा कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। सो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप फिल्मों को प्रमोट कर रहे होते हैं, उस कंटेंट को दिखा रहे होते हैं, क्योंकि फिल्मों के गाने जो हैं वो आप 20 दफ़ा भी देखेंगे तो आप कभी आपका दिल नहीं भरता। बात जो आपने की है ये प्रमोशन वाली, तो इसी से एक बात ये रिलेटेड है कि बॉलीवुड में आप देखें मुतअद्दिद टीवी चैनल्स हैं जिसमें सिर्फ फिल्म की बातें होती हैं या कोई फिल्म उसमें गाने दिखाए जाते हैं। हमारे यहाँ इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई जा रही हैं या बनती हैं, लेकिन जब वो फिल्म लगती है तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये फिल्म कब लगी है। तो क्या ये भी एक बुनियाद है कि जी हमारी पब्लिसिटी ठीक नहीं हो पाती? देखिए इसमें मैं फिल्म के लोगों को ब्लेम नहीं करूंगा, ये टीवी चैनल्स हैं हमारे, ये सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। आप बड़े सारे चैनल उठा लें तो वो एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर एक फिल्म वो रिलीज़ कर रहा है तो दूसरा कोई चैनल नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। और मतलब आप जियो ARY हम सारे देख लें ना, ARY की कोई फिल्म होगी तो उसको कोई नहीं दिखाएगा, जियो की फिल्म होगी तो उसको कोई और नहीं प्रमोट करेगा, और जियो खुद भी नहीं करता, जो कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत है। और ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अपने पांव पे इतने अरसे में खड़ी हो जानी चाहिए थी कि इंडियन फिल्में बंद हुई, क्योंकि इंडियन फिल्म के बगैर अब आप नहीं फिर सर्वाइव कर सक रहे। सही। तो वो 8-10 सालों में अगर ये सब चैनल्स इस तरह से करे तो, बिकॉज इस चैनल देखें, ये चैनल्स में कोई ऐसा नहीं आदमी जो फिल्म को जानता हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिल्मों की प्रमोशन और अपनी फिल्म लेके डिस्ट्रीब्यूशन, ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जो पाकिस्तानी चैनल्स कर रहे हैं,
ये तो बिल्कुल एक दो फिल्मों को फिल्म इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं सब मिलके। इंडियन फिल्म की बात निकली है तो सर ये गुज़िश्ता 2-3 सालों से कोविड से 1 साल पहले से भारतीय फिल्मों पे पाबंदी है हमारे यहाँ, लेकिन घर घर ये फिल्में चल रही हैं, लोग यूट्यूब पे, मैं भी बहुत आसानी से तमाम फिल्में देख लेता हूँ। और जिन दिनों ये फिल्में मौजूद थी हमारे सिनेमास पे तो बड़ा रश था। क्या आपका ख्याल है कि जी भारतीय फिल्में जो उर्दू फिल्में हैं ये लगनी चाहिए हमारे सिनेमा पे? देखिए जी, मैं तो ना भारतीय फिल्मों के फेवर में हूँ ना उसके ख़िलाफ़। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ जो मैं समझता हूँ। इंडियन फिल्म रिलीज़ किए बगैर आपका सिनेमा चल ही नहीं सकता, पीरियड। अब वो अच्छी हैं वो बुरी हैं ये मेरा फैसला नहीं है, ये गवर्नमेंट का फैसला है। गवर्नमेंट ने जब शुरू इजाज़त दी इंडियन फिल्मों की तो आपका एकदम सिनेमा खड़ा हो गया कि नया सिनेमा, आज का मॉडर्न सिनेमा वो पाकिस्तान में बनना शुरू हो गया। एग्जैक्टली बिल्कुल यही, और सब उसी के बाद शुरू हुआ। उससे पहले तो कोई नहीं था ना, सिर्फ एक मेरे ख्याल में DHA लाहौर में जो है वो एक सिनेमा था जो मॉडर्न सिनेमा जिसको आप कह सकते हैं। जी हाँ, वो उसके अलावा तो कोई नहीं, शोज उसमें चला करते थे, तीन मुख्तलिफ फिल्मों। जी जी जी, वो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। वो एक मॉडर्न फिल्म है जिसमें प्रॉपर साउंड था, प्रॉपर प्रोजेक्शन थी। और उस सिनेमा उसके बाद आप देखें कि इंडियन फिल्म खुली है तो एकदम गेम कहाँ से कहाँ चली गई। पाकिस्तानी फिल्मों को भी फ़ायदा हुआ, पाकिस्तानी फिल्में बनने लग गई, चूँकि सिनेमा था आपके जो 2-3 करोड़ को पहले 4 करोड़ की आप देखें ना, वो उसकी फिल्म शोएब मंसूर की फिल्म ने कितना बिजनेस किया था, जो पहली वाली हिट 10 करोड़ का उसका बिजनेस था। नहीं जी, 5 करोड़ खुदा के लिए। अच्छा नहीं, मैं बोल जी बोल बोल देखे, वो 50 करोड़ तक गेम चली गई ना। आखिरी आपका बिजनेस जो था वो जब फिल्म हिट हुई तो वो 50 करोड़ पे चली गई। जी जवाब, उस जमाने में जब इंडियन फिल्म नहीं थी और फिल्म जब हिट होती थी तो 4-5 करोड़ करती थी। ठीक, तो डिफरेंस ये सिनेमा की वजह से आया। और जब जैसे इंडियन फिल्म बंद हुई है तो सब कुछ ख़त्म हो गया। आपको 100 फिल्मों की ज़रूरत है। ये फिल्म, ये ऐसा नहीं है कि कभी भी इंडियन फिल्म को अगर आप नहीं काम कर सकते, ये चीज़ क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। आपको बेसिकली 100 फिल्में चाहिए उर्दू ज़ुबान की सिनेमा को चलाने के लिए, ताकि वो एक साइकिल रोटेशन चलता। जी जी, अब चूंकि पाकिस्तान में मैक्सिमम इन सालों में जो फिल्में बनी हैं वो 22 बनी हैं, तो 22 फिल्म्स के साथ आप सिनेमा नहीं चला सकते। अंग्रेज़ी फिल्म आप जितनी बातें कर लें, पाकिस्तान में कोई टिकट लेके नहीं जाता देखने। सिर्फ 7-8 फिल्में हैं टोटल हॉलीवुड की जो पाकिस्तान में बिजनेस करती हैं। जी बहुत बड़ी जो तो जी वो जो फ्रेंचाइजीज हैं, 7 वो हो गई और आपके 22 पाकिस्तानी हो गई, तो 29 फिल्मों से सिनेमा नहीं चल सकता। आपको 100 फिल्में चाहिए। जब तक पाकिस्तान 100 तक ना पहुंचता, आपको इंडियन फिल्म बंद नहीं करनी चाहिए थी। ये आज भी बहुत ज़रूरी है कि ये गवर्नमेंट को ये बात समझ आ जाए। ये खान साहब भी रोज़ उठते हैं, कभी कोई बात कर देते हैं, कभी आज ये बना लो, वो बना लो, यूँ बना लो। भाई आप बनवाएं ना अपने किसी बंदे से, इसको कहें ना बनाए। एक एक चीज़ के बनने से कुछ नहीं होता। आपको 100 फिल्में चाहिए, अच्छी बुरी की मैं बात नहीं कर रहा। जी जी, कि आप बुरी बना रहे हैं, अच्छी बना रहे हैं, आप बना रहे हैं। दुनिया में सक्सेस रेट जो है वो 10% से ज़्यादा दुनिया के किसी खत्ते में नहीं है, इंडिया में भी नहीं है, हॉलीवुड में भी नहीं है। तो आप अगर 10-22 फिल्में बना रहे हैं उसमें से अगर 2.5 हिट हो जाती हैं तो यू आर डूइंग वेरी वेल, और 2-3 तो आप हिट करा लेते हैं ना। आपने ये बहुत लॉजिकल ये अंदाज में ये बात की है कि जी इसकी लॉजिक आपने कि जी जब तक 100 फिल्में नहीं होंगी। और इससे अब मैं रिलेट करता हूँ इस बात को कि जी माजी में हमारे यहाँ 100 से 150 फिल्में बना करती थी और वो सिनेमा को वो सप्लाई जारी रहती थी। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सर एक सवाल आपकी फ़िल्म के हवाले से, मैंने आपकी एक फ़िल्म देखी थी सलाखें, जो शहजाद रफ़ीक साहब उसके डायरेक्टर थे, और उस फिल्म को मैंने कराची में कपरी सिनेमा पे देखा। और मैं समझता हूँ कि अगर अंदाता के बाद, ये मेरी ज़ाती राय है, कि पाकिस्तान में कोई एक्शन फिल्म बनी है जदीद अंदाज में, तो वो सलाखें थी। आपने इतनी बड़ी फिल्म, इतनी हिट फिल्म थी और उसमें एक एक चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखा था, उसके बाद आपने क्यों फिल्म उस तरह की नहीं बनाई? और आज का दौर ऐसा है कि जिसमें आप जैसे लोग चाहिए फिल्म के लिए। देखिए जी, मैंने फिल्म नहीं बनाई, ऑल्दो मैं डेस्परेटली बनाना चाहता हूँ, लेकिन अगेन यहाँ पे फिर पाकिस्तानी चैनल्स आ जाते हैं ना, वो आप TV प्रोडक्शंस करते हैं उसके पैसे देते हैं ना, वो आपको फिल्म रिलीज़ करते हैं तो उसके पैसे देते हैं।
सिचुएशन उन्होंने ऐसी मिलकर क्रिएट कर ली है कि अब पाकिस्तान में कोई फिल्म बना ही नहीं सकता अगर कि चैनल साथ नहीं होगा, क्योंकि आपको वो प्रमोशन भी नहीं देते और वो कहते हैं कि आप उनको बेचें, आप उनको बेचते हैं तो वो आपको पैसे नहीं देते। बिल्कुल, आप मुझे, मैं तो पागल समझता हूँ जो लोग पाकिस्तान में, जो 22 लोगों ने जिन्होंने फिल्में ही बनाई हैं, मैं उनको पागल समझता हूँ। मैं नहीं ये करूँगा, मुझे इनके पीछे क्यों फिरना, किसी के पीछे के मुझे पैसे दो और मेरे पैसे नहीं दे रहे, और साल तक दो दो तीन तीन साल पैसे नहीं मिल रहे इनको। जी बिल्कुल, कराची में यासिर के साथ भी यही हुआ, सब और के साथ, जो नहीं, जिसके साथ जो कह रहा ना मेरे साथ नहीं हुआ, वो झूठ बोल रहा है, या वो शर्मिंदगी में नहीं बोल रहा, क्योंकि वो इतना बड़ा नाम होगा कि वो शर्मिंदगी में नहीं बता रहा। हो सबके साथ रहा, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि सबके साथ हो रहा है, और फिर एंड में वही चैनल कर रहे हैं। भाई आप टीवी की प्रोडक्शन करें, उसके पैसे नहीं देते, आप फिल्म की फिल्म बनाते हैं तो उसको, क्योंकि रिलीज और उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो, तो किसी ना किसी चैनल के साथ आपको जाना पड़ता है और आपकी मजबूरी है, और सारे चैनल यही करें कि आपको एंड में पैसे नहीं देते। बजट फिल्म का पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम किसी से भी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी 5 करोड़ से नीचे की फ़िल्म नहीं है, लेकिन सिनेमा का जो है वो अगर जो उसका बिज़नेस है वो 20 करोड़ अगर होगा तब जाके वो 5 करोड़ या 8 करोड़ आपके कवर होते हैं। तो आपके ख्याल में फिल्में जो पाकिस्तान में वो बजट ज़्यादा होना चाहिए या फिल्म का बजट अभी कम हो, किस तरह से? जब से 2008 से इंडियन फिल्में आईं और आपका सिनेमा ये नया वाला जैसे जैसे बढ़ता गया है, वैसे वैसे आपके फिल्मों का जो बिज़नेस है वो बढ़ता चला जा रहा है, और ये बढ़ता रहता है। इसमें ब्रेक लगी है इंडियन फिल्म के आने से, रुकने से, वो रुकी, सब कुछ रुक गया, बिजनेस ही आपका वो हो गया, जो ऑडियंस आपके उसकी वजह से निकलता था और साथ पाकिस्तानी फिल्में भी देखता रहता था, वो सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म देखने नहीं निकलेगा, क्योंकि इंडियन फिल्म उसको केबल पे भी नज़र आ रही है, हर जगह नज़र आ रही है, उसको मिल रही है, वो मुफ्त मिल रही है। जब आपकी फिल्म या पाकिस्तान में इंडियन फिल्म बैन होती है तो आपको मुफ्त मिल रही होती है, केबल वाला दिखा रहा, केबल वाले को कोई नहीं पकड़ता। वो फिल्में जो पाकिस्तान में, मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं कि वो फिल्में जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत और सेंसर बोर्ड ने बैन की, वो केबल वालों ने दिखाई। अब चूंकि गवर्नमेंट यूज़ करती है केबल वालों को, जब उनका अपना काम होता है ना, जैसे आपको मैं एग्जांपल उसकी भी दे देता हूँ कि जैसे जियो को जब उन्होंने बैन करना है तो बैन कैसे करते हैं, वो ऑर्डर तो दे नहीं सकते कि बैन कर दो इसको, तो वो केबल वालों के थ्रू बैन कराते हैं कि केबल वाला उसको 12 से उठा के 32 पे कर देता है, वो उसका वो नंबर चेंज करता रहता है कि केबल वाले जो देखने वाला है उसको जियो टीवी नहीं नज़र आता, कहीं मिलता ही नहीं है, तो इस तरह से वो कंट्रोल करते हैं। फिर वो उसको बेईमानी का भी मौका देते हैं, खुद चोरी का भी मौका देते हैं। ना पैमरा के लिए एक मिनट का काम है कि आपका कोई इलीगल कंटेंट कोई चैनल नहीं दिखा सके, ख़त्म, एक दफ़ा कहना है, लेकिन वो क्यों नहीं, क्योंकि वो और चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं उन्हें, तो फिर उनको बेईमानी का मौका देते हैं, पैसे कमाने का ज़रा मौका देते हैं कि भाई इंडियन फिल्म है, वो फ्री लाते हैं और उस पर पैसे कमा रहे होते हैं। हर केबल वाले वो दो दो तीन तीन चैनल्स हैं उसके अपने जिस पे वो इंडियन फिल्म दिखा रहा है, और आप कह रहे हैं पाकिस्तान में बैन है, भाई हर फिल्म तो आप देख रहे हैं, बैन कैसे है सर? और जब ये ज़्यादा भी सख्ती करते हैं तो ये बड़े शहर हैं जो कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, जहाँ पर ये आपको इंडियन फिल्म दिखनी नज़र आता कम हो जाती है, छोटे शहरों में उसी तरह चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं। फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा और फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त सख्त बुरानी कैफियत का शिकार है, और कोविड की वजह से तो बहुत तबाही हुई है। आप मुझे खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, मैं यही मैं पूछना चाह रहा था, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? मुझे नज़र नहीं आ रहा खुलता हुआ, तो हमारे मुझे सिर्फ रास्ता वही नज़र आ रहा है कि इंडियन फिल्म खुली जाए। अगर इंडियन फिल्म नहीं खुलेगी तो पाकिस्तानी सिनेमा नहीं खुल सकता। आपने अभी खोल के 2-3 दफा देख लिया ना, कितने लोग आए, लोग ही नहीं आते। अच्छा, इसमें एक चीज़ है सर कि जी इस वक्त जो पाकिस्तान में करता धरता जो लोग हैं या एसोसिएशन है, ये उनमें मुझे नहीं मालूम कि वो लोग गवर्नमेंट से जाके ये बात करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन आप हो गए, नदीम मांडवी वाला साहब हो गए, दीगर जो आप जैसे लोग हैं, ये गवर्नमेंट से क्यों नहीं बात करते जाके? आप लोग तो लॉजिक से, मिसालों से आप बात कर सकते हैं। कौन सी गवर्नमेंट, कौन सुनने पे तैयार है? हर गवर्नमेंट की जो पार्टी बरसर इक्तदार आती है उसके अंदर 2-3 लोग होते हैं जो अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं इसका। ठीक, प्रोफेशनल से पाकिस्तान में बात नहीं की जाती कहीं पर भी, किसी गवर्नमेंट में। हर गवर्नमेंट में 1-2 लोग हैं उस पार्टी के जो समझते हैं, वो बहुत तुरंत खान है, उनको फिल्मों का सब पता है, उनको टीवी का सब पता है,
और वो एडवाइस दे रहे होते हैं क्या करना। अब लास्ट जो मंथ यहाँ पर हमारे यहाँ सुल्ताना सिद्दीकी ने एक सेमिनार किया था, तो उसमें फवाद चौधरी साहब आए थे, उन्होंने कहा कि जी बस हम तुर्की के साथ हम ये माहदे कर रहे हैं, उनकी फिल्में ला रहे हैं, तो ये सब बेकार बातें हैं। आपका कोई लेवल नहीं है कि आप जाके टर्की किस लेवल पर काम कर रहा है, आपको पता ही नहीं है। घर बैठे आप बातें करते हैं कि हम वो बनाए हैं, वो इस्लामी उस पर बनाए। आपने देखा ना लास्ट टाइम का जो खान साहब ने जो बात की थी कि बाबर के ऊपर बनाओ, आज इंडिया ने बना के रिलीज़ कर दिया। आप अभी बातें ही कर रहे हैं, सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं सब, क्योंकि यहाँ पे भी प्रोफेशनल्स नहीं है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे भी दोस्त हैं, यहाँ पे भी दो तीन लोग हैं जिनको ये समझते हैं कि एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के। वो भाई जिसने प्रैक्टिकली काम नहीं किया वो फील्ड का एक्सपर्ट कैसे हो सकता है? जिसने कभी गवर्नमेंट नहीं चलाई उसको पॉलिटिक्स आप बोले घर बैठा वो पॉलिटिशियन बन गया और अच्छा सब कुछ जानता है, ऐसा नहीं होता। आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, इलेक्शन लड़ना पड़ता है तब आपको समझ आती है। इसी तरह हर बिजनेस में आपको बिजनेस पहले करनी होती है तब समझ में आती है कि वो बिजनेस क्या है। क्योंकि खाली किताबें पढ़ने से तो यार डॉक्टर भी कभी डॉक्टर नहीं बनता, वो एंड में डॉक्टर जो है वो उस वक्त मुस्तनद डॉक्टर बनता है जब वो हाउस जॉब करता है। बिल्कुल, प्रैक्टिकल तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे भाई। हमेशा से जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ देखता आया हूँ कि हर गवर्नमेंट में एक्सपर्ट्स हैं, वो खुद ही डिसाइड करते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, वो पूछते भी नहीं है। अभी आप देखें ना कि इन्होंने उठा के सर सिनेमा खोल दिए बगैर पूछे किसी से कि भाई खोलने चाहिए नहीं खोलने चाहिए कैसे खोलने चाहिए, बस ये एक्सपर्ट हैं इन्होंने खोल दिए, फिर ओवरनाइट बंद भी कर दिए। जब आप कह रहे हैं कि आपने वैक्सीन अगर लगवाई है तो आप सिनेमा देखेंगे देखने जा सकते हैं, तो वैक्सीन का तो वैसे ही पता है लोगों को नहीं। अगर आपने ये लॉ बनाया डिक्लेयर कर दिया कि जी वैक्सीन अगर नहीं लगी सर्टिफिकेट दिखा के टिकट ले सकते हैं, फिर बंद करने की क्या रीज़न था? क्योंकि वहाँ तो सिर्फ वैक्सीन लगे हुए लोग आ रहे हैं ना, उसको क्यों बंद कर दिया? आप इनसे पूछेंगे ये सब आपको रीजन देंगे, लॉजिक देंगे। पाकिस्तान में फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन की भी एसोसिएशंस हैं, सिनेमास की भी, और इसी तरह से प्रोड्यूसर एसोसिएशन भी है, और वो हर साल उनके इंतखाबात होते हैं। हम सुनते हैं कि जी वो फिर ये साहब आ गए वो साहब आ गए। मैं काफ़ी टाइम से ये महसूस कर रहा हूँ कि आप सीनियर प्रोड्यूसर हैं और हर जगह मतलब आप बात कर सकते हैं जाके हर फोरम पे, आप कभी इंटरेस्ट नहीं लेते या उस तरफ मैंने कभी नहीं देखा कि आप किसी एसोसिएशन के दफ्तर में मौजूद हों, या आप क्यों दिलचस्पी नहीं लेते? आप जैसे लोगों की तो ज़रूरत है एसोसिएशन। मैं मुझे अगेन ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हम पाकिस्तानियों का, क्योंकि मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन का। वहाँ पर जब आपके टॉप प्रोड्यूसर्स ही इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि हर किसी का किसी चैनल के साथ लिंक है, जितना जो मेजर प्रोड्यूसर बनता है उसका किसी चैनल के साथ डायरेक्ट वो होता है, उसको पैसे मिल रहे होते हैं। मुसीबत तो उस वक्त आती है जब उसके पैसे रुकते हैं, फिर वो कहता है कि मैंने सपोर्ट करना है इसको, उससे पहले उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। इसी तरह हर जगह ज़्यादातर लोग वो आपके वहाँ आते हैं जिनका कोई अपना वो इंटरेस्ट होता है कि ज़रा तस्वीरें छपेंगी, मिनिस्टरों से मिलना है, इससे मिलना है, उससे मिलना है, इस तरह की बातें। ये उनको बेसिक वो कोई रिसर्च करके ही नहीं आते कि एसोसिएशन का काम क्या है। आप इंडिया में जाके देखो कि कोई शख्स किसी भी फील्ड का हो वो उस फील्ड में काम ही नहीं कर सकता अगर वो एसोसिएशन का मेंबर नहीं है। अगर आप एडिटर बनना चाहते हैं तो आपको पहले एडिटिंग एसोसिएशन का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर आप कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपको उसका मेंबर बनना पड़ेगा। आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो छोड़ दें, मैं तो जो बिल्कुल आपके वो आ जाते हैं ना कि डांसर, जो बैकअप डांसर हैं, एक लड़का या लड़की डांसर नहीं बन सकता अगर वो एसोसिएशन का अपने मेंबर नहीं है। इसी वजह से मैंने वहाँ जाके ये रिसर्च की थी कि इंडिया में कोई पैसे किसी के क्यों नहीं खा सकता और पाकिस्तान में क्यों खा लिया जाता। तो मुझे सिर्फ एक रीज़न नज़र आया कि यहाँ एसोसिएशन नहीं है वहाँ एसोसिएशन है, और कोई वजह नहीं। यहाँ पे नोबडी केस, क्योंकि प्रोड्यूसर आगे छोटे लोगों के पैसे खाना चाहता है तो वो चाहता ही नहीं कि एसोसिएशन बने। इसी तरह चैनल्स हैं, ये चैनल्स का इंटरेस्ट नहीं है कि एसोसिएशन बने। एसोसिएशन बनेंगी तो कल को लोग खड़े हो जाएंगे ना, तो चैनल का क्यों इंटरेस्ट होगा? आपके मेजॉरिटी ऑफ द चैनल्स जो हैं वो तो पैसे नहीं देते, हालांकि खुद वो APNS और उसके बगैर नहीं कर सकते। PBA जो है
वो कोई काम नहीं करते, इफेक्टिव वही हैं दो, उनका एक रुपया देना होता है वो वसूली करते हैं पहले, वरना कोई चैनल जो है उसको ऐड नहीं चलाएगा, कोई अखबार जो है उसका ऐड नहीं देगा अगर एक के पैसे नहीं देंगे आप। फील्ड में बाकी बिजनेसेस में ये खुद पैसे नहीं देते, कोई कुछ करने वाला नहीं। ये तो आज सोशल मीडिया है तो इस तरह की बात भी हम कर सकते हैं। आज से कुछ आप 5-6-8 साल पहले पीछे चले जाएं तो ये कौन कह सकता था ये बात। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि चैनल ओनर्स पैसे नहीं दे रहे हैं। इस वक्त एक चैनल है जिसने कोई तकरीबन 50 करोड़ रुपया सिर्फ प्रोड्यूसर्स का देना, मैं एक चैनल की बात कर रहा हूँ, जिसके मुझे सारी उसकी डिटेल इसलिए पता है कि मैं उसकी एक कमेटी बनी हुई है रिकवरी कमेटी, उस कमेटी में मैं भी हूँ, तो मुझे उस चैनल का पता है कि भाई ये एक चैनल है। भाई यहाँ PBA क्यों नहीं आ रही, PBA क्यों नहीं कह रही, क्योंकि सब बाकी चैनलों ने भी देने होंगे लोगों के पैसे, और आप अपने पैसे जो हैं वो PBA के थ्रू रिसीव कर रहे हैं और लोगों के पैसे नहीं दे रहे आप। बट इस मुल्क में ये हो रहा है सब कुछ। हमारे यहाँ जब से ये रिवाइवल की बातें हो रही हैं, तो कोई फिल्म वो कहते हैं 60 करोड़ का बिजनेस हो गया, किसी का 50 का, किसी का 30 करोड़ का, ये हर चैनल क्योंकि अपनी अपनी खबरें वो दे रहा होता है और किसी को नहीं पता होता कि ये सही खबर है या गलत है। आपका भी एक यूट्यूब एक चैनल है और वो बड़ा उसको देखा जाता है, बल्कि अगर किसी ने देखना हो कि बिज़नेस असल क्या है तो वो बॉक्स ऑफिस आपका जो एक चैनल है उस पे आते हैं। तो ये क्या वजह है कि ये जो हमारे ये टीवी चैनल, इनको मालूमात कम है, ये सही फिगर क्यों नहीं बता पाते और चीज़ें नहीं बता देखिए पाते? ये खुद इसलिए रिलीज़ नहीं करते कि अगेन झूठ बोलना होता है। इंडिया में हर फिल्म का पहले दिन से फिगर आ रहा होता है और ऑफिशियली रिलीज़ हो रहा होता है, आप उसके बगैर चल ही नहीं सकते अगर आप नहीं देंगे फिगर। यहाँ पे नहीं दे रहे ऑफिशियली, जब आप अपने तौर पे, मतलब मैं अपने तौर पे ये हम रिसीव करते थे बैठ के, और हम डायरेक्ट सिनेमाओं से लेते थे, एक पूरा स्टाफ था, एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ था कि वो बैठ के हम पूरे हर सिनेमा से फिगर्स ले रहे थे और हम दे रहे थे। अब हमें चैलेंज तो कोई नहीं कर रहा था, बट बहुत सारे लोग खुश नहीं थे इस बात, क्योंकि हम बेसिकली टैक्सेस में चोरी करते हैं, हम बेसिकली पैसे देने में वो करते हैं, हम अपने फिगर्स कुछ और बनाना चाहते हैं अकॉर्डिंगली, किस प्रोड्यूसर को हम चाहते हैं वो आइंदा हमारे साथ काम करे, किसको नहीं चाहते हम आइंदा काम करे, तो हम उसके पैसे नहीं देंगे फिर अगर ये फिगर्स डिक्लेयर होने लग जाएँ, पूरे ऑफिशियली आने लग जाएँ। ये दुनिया में ऐसा कहीं और नहीं होता, दुनिया में कोई और मुल्क नहीं है जहाँ ऑफिशियली फिगर्स नहीं आ रहे, कैसे छुपा सकते हैं आप? मुझे दुनिया का कोई मुल्क बताएं जहाँ ये ऑफिशियल फिगर्स नहीं रिलीज होते हैं। हमारे यहाँ होता है ना, गवर्नमेंट को कोई फिक्र है, क्योंकि अब चैनल इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट भी डरती है, वैसे वो हर किसी को पकड़ते हैं कि तुम डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे, इनको कोई नहीं पूछता कि डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे। हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो एक टाइम था कि मोहम्मद अली साहब और नदीम वहीद मुराद शाहिद साहब और स्पेशली सुल्तान राय साहब के बारे में तो बड़ा ही मशहूर था कि वो प्रोड्यूसर की हेल्प किया करते थे, वो कहते थे ठीक है जी इतने पैसे थे। लेकिन आज का जो हमारा हीरो है, चाहे वो फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान या शान साहब, ये जो भी है, वो अपनी शरायत रखते हैं और 1 करोड़ से नीचे तो किसी का मुआवजा है नहीं, ऊपर है। तो क्या इसी तरह हीरोइंस पे भी आप आ जाएं तो वो सब मायरा खान और दीगर माया ली, ये सब तो फिल्म का बजट तो मैं समझता हूँ कि इस वजह से बढ़ रहा है। क्या देखें आज ऐसा तो नहीं है कि फवाद अगर करोड़ से ज़्यादा मांग रहा है या अली जफर मांग रहा है या शान मांग रहा है तो इनके बगैर फिल्में भी होनी। अगर एक आदमी डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए, लेकिन फिर उसकी वो रिकवरी नहीं हो रही। आपका मसला है रिकवरी, आप उसको ले क्यों रहे हैं फिर? आप मत लेना, आप उसको इसीलिए ले रहे हैं ना कि वो जस्ट उसकी वजह से जी उसकी डिमांड है, उसकी वजह से लोग आ रहे हैं। भाई ये इन एक्टरों को आप लेते हैं तो इनके से ज्यादा तो आपको चैनल आगे देने लग जाते हैं पैसे, जो उसमें ये लोग होते हैं तो वो क्यों नहीं मांगेंगे पैसे? दुनिया में आर्टिस्ट का जो रेट है वो इसी चीज से डिटरमाइन होता है कि पहले हफ्ते का जो बिजनेस है वो आर्टिस्ट का कितना हो रहा है, जो पहला वीक है वो उसकी वर्थ मार्केट की डिटरमिन कर रहा होता है और उसके बेसिस पे। आज आप देखें ना कि शाहरुख खान और आमिर खान और ये लोग जो हैं जिनका पहला हफ्ता जो है वो इतना बड़ा हो गया कि अब फिल्म से ज़्यादा उनकी फीस हो गई है, क्योंकि उनकी वजह से एक पब्लिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, तो जस्टिफाइड है, किसी को एतराज़ नहीं है।
यहाँ पे भी किसी को एतराज़ नहीं, ये तो ऐसी हमेशा से एक जब रोना एक डला हुआ है वो रोते रोते बातें कर रहे हैं, कोई ये नहीं बताता कि कोई आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन खा गया, कोई चैनल कौन सा खा गया, क्योंकि उनसे डरते हैं अगली दफा फिर वहाँ जाना होता है। ये आर्टिस्ट का मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि आप आर्टिस्ट से बोलें कि उसको पैसे कम करें। भाई आप उसको मत लें ना, आप उसको मत लें। मैंने दो फिल्में बनाई, मैं दोनों फिल्मों में नया लड़का लिया, मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं उस स्केल पर कर रहा था काम के मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं अपनी फिल्म के खुद जनरेट कर रहा था। जैसे आपने सलाखें की बात की है तो उसकी जो प्रमोशन थी मैंने उस पर इतना काम किया था कि मुझे वो रिस्पांस मिला है जैसे किसी बड़े हीरो से मिलता है, फिल्म को वो रिस्पांस था। जहाँ तक मेरी मालूमात है अहमद भट्ट की उससे बड़ी ना कोई फिल्म है, उसके बाद वो अहमद भट्ट जो है वो नहीं अहमद भट्ट हो सके। तो ये बात आपकी ठीक है। और सलाखें से ही रिलेटेड एक और सवाल, मैं क्योंकि वो फिल्म देख चुका हूँ और बहुत सारी उसमें खूबियाँ थी, आपने उस फिल्म में एक तो पाकिस्तान में हमारे यहाँ वो जो फाइट ज़्यादातर जो मूवीज़ होती थी उनके फ़ाइट का जो साउंड है वो बहुत ख़राब होता था, आज के बच्चे दिखें तो मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो सारा काम जो है वो आपने किस तरह से ये पाकिस्तान में किया था या पाकिस्तान से बाहर कि वो अलग ही नज़र आ रहा था? मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने उसकी पोस्ट प्रोडक्शन इंडिया में जाके की थी। ओके। क्योंकि यहाँ वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, मेरे पास चॉइस ये थी कि मैं बैंकॉक जाऊँ या वहाँ जाऊँ इंडिया जाऊँ। बैंकॉक में मुझे प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप एडिटिंग और उसमें बैठते हैं तो वो आपकी ज़ुबान नहीं जानते, आपका कल्चर नहीं जानते। मुझे ये अनइजीनेस थी वहाँ पे कि मैं वेस्ट में जहाँ पे भी जाऊँगा मेरा जो एडिटर है वो मेरी ज़ुबान ही नहीं समझता, उसने कैसे सही एडिटिंग कर सकता है। इस वजह से मैं इंडिया गया, मैं पहला पाकिस्तानी था जिसने इंडिया में जाके, मैंने पहला कोरियोग्राफर, क्योंकि यहाँ कोरियोग्राफी उस लेवल पर नहीं होती थी। अगर कोरियोग्राफर आप कह भी लें कि चले मेहनत करके वो कुछ बेहतर काम कर लेता था तो आपका बैकअप डांसर ही नहीं थे, आप आदमियों को औरतों के कपड़े पहना के डांस करा रहे होते थे पीछे क्योंकि लड़कियां ही नहीं थी। मुझे वो फैसिलिटी इंडिया में मिलती थी तो मैं यहाँ से वहाँ जाके पहली फिल्म में मैंने सारी कोरियोग्राफी वहाँ से कराई। और सलाखें के गाने तो बहुत शानदार, बहुत अच्छे बने थे वो। इस दफ़ा मुझे मॉरिशस नहीं जाना पड़ा, मैंने रास्ता, क्योंकि मैं इंडिया इतनी दफ़ा गया हुआ था कि मुझे ज़्यादा बेहतर सस्ते तरीकों का पता चल गया, तो मैं यहाँ से यूनिट लेके और नेपाल चला गया। नेपाल इस तरह था कि वहाँ से 50 लोग जो यूनिट मैंने बुलाया था वो सारा यूनिट ट्रेन में बैठ के आ गया, तो मुझे बहुत सस्ता पड़ा। फिर मैंने लोकल नेपाली हायर कर लिए अपने, कहा सारे प्रोडक्शन के लोग जो थे वो सब नेपाल के थे, लेकिन डांसर चूंकि वहाँ पे भी अच्छे नहीं थे तो डांसर मैंने इंडिया से मंगवा लिए सारे बैकअप डांसर। कोरियोग्राफर जो थी पोनी वर्मा को लिया था। बेसिक रीजंस ये थे और कि आप क्वालिटी दिखाना चाह रहे थे। वो पहली फिल्म थी, अब आपने उसका जिक्र किया तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो पहली फिल्म थी जो पंजाबी फिल्मों के ज़माने में एक क्वालिटी फिल्म जो इंडियन के मुकाबले में क्वालिटी उस लेवल की थी, उसके कोरियोग्राफी, उसके गाने, उसके एक्शन, वो या उसका साउंड, एडिटिंग स्पेशली, बैकग्राउंड म्यूज़िक इसका बहुत कमाल का बैकग्राउंड म्यूज़िक था, वो भी मैंने इंडिया में करवाया था। तुम और मैं भी जुर्म की ऐसे ही पटरियां हैं जो एक दूसरे के साथ साथ चल तो सकती हैं, कभी मिल नहीं सकती। काम की बात करो, किसने बुलाया? जबरान, फैजान मेरा दोस्त है, उसकी तरफ आग उठाकर भी ना देखना। उस लड़के ने मेरा बंदा मारा है, तुम उसको मेरे हवाले कर दो। नहीं,
उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। एक बात काम खुलकर सुन लो, दोस्ती निभाना अच्छी तरह जानता है। लेकिन अगेन वो चीजें वहां से हम सीख रहे थे, यहाँ इंप्लीमेंट करते। लेकिन उसके बावजूद मुझे जरूरत नहीं है इंडिया जाने की, अब आपके पास सारी चीजें यहाँ अवेलेबल हैं, चूंकि अब आपके पास ट्रेंड लोग जो हैं वो टीवीसी इंडस्ट्री के यहाँ आ गए, तो अब आप साउंड भी पाकिस्तान में प्रॉपर कर सकते हैं। अब आप थोड़े से पैसे खर्च होते हैं, अब आप सारा पोस्ट प्रोडक्शन का काम पाकिस्तान में कर सकते हैं। और बड़ी नई राह आपने लोगों को दिखाई थी, पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स को, कि ये बहुत अच्छा पाकिस्तान में काम हो सकता है। और ये आपको सर यकीन था कि अहमद भट्ट और साजिद हसन जो कि विलन उन्होंने किया, ये तो आपको लगता था कि ये लोग जो है वो इनकी वजह से फिल्म आप कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये फ्लॉप भी हो सकती है, क्योंकि उसमें कोई बड़ा बहुत बड़ा नाम नहीं था। मैंने मेरा ये ज़िंदगी में बिलीव है, बहुत लोग मेरे से इख्तलाफ करेंगे इस बात पर, कि दुनिया में कोई फिल्म नहीं है जो किसी एक्टर की वजह से चली। एक्टर चलते हैं फिल्मों की वजह से, चूँकि स्क्रीन पे मुनाज़र आते हैं तो जो आपका ऑडियंस है वो सारा क्रेडिट उनको दे रहा होता है। और दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं जिनकी फिल्में फेल हुई हैं, उनको लोगों ने कहा बहुत बुरा एक्टर है और उनको दोबारा लिया नहीं। जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मैं आपको भी दे सकता हूँ, वो शकील की है, हमारे जी शकील था। वो फिल्मों में आए और फेल हो गए, लोगों ने कहा यार ये बहुत बुरा एक्टर है, जबकि ड्रामा में वो बहुत अच्छे एक्टर, वो बहुत अच्छे थे जी, क्योंकि उन्होंने जो शुरू में फिल्में की वो फेल हो गए। और इसी तरह जब बहुत बुरे बुरे एक्टर होते हैं जिनकी फिल्में हिट होती हैं और वो साथ हिट हो जाते हैं, इसके भी अब एग्जांपल मुश्किल है क्योंकि मैं दे सकता हूँ आपको इंटरव्यू के बाद दे सकता हूँ, क्योंकि दोस्ती है बहुत सारे अच्छे बुरे एक्टरों के साथ, तो वो मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे ऐसे होते हैं। आपकी एक फिल्म वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग जो आपने मांडवी वाला नदीम साहब के साथ मिलकर बनाई, लेकिन उसमें वो बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी नहीं गई, तो उसके फ्लॉप होने की क्या वजूहत थी? एक्सपीरियंस नहीं था, हमारी सारी डिपेंडेंस थी कि हमने जितने बड़े गाने किए थे। जी आज भी आप उसके गाने देखेंगे ना जी, घूंघट उठा एक बहुत शानदार, बहुत पाकिस्तान का पहला कोरस सॉन्ग था जो प्रॉपर तरीके से कोरियोग्राफ हुआ था, बज़मी साहब को हम वापस लेके आए थे और बज़मी साहब ने आके फिर आप वो म्यूजिक सुने तो आपको नजर आएगा कि क्या भरी हुई म्यूजिक है। प्रॉब्लम थी उस वक्त ना तजुर्बेकारी, कि हम इस बात की एक्साइटमेंट में कि हम कितनी बड़ी चीज़ कर रहे हैं, हम ये भूल गए कि एंड में आप उसको मैच कैसे करेंगे। यहाँ पे उस फिल्म में सबसे बड़ा फ्लॉ जब पाकिस्तान में देखा तो मुझे जो सबसे बड़ा फ्लॉ नज़र आया कि जब गाना शुरू होता था ऐसे लगता था इंडियन फिल्म है, और जब वो सीन शुरू होते तो लगता था पाकिस्तानी फिल्म शुरू हो गई। अब मैं अच्छी और बुरी, मैं इंडिया ये नहीं कह रहा कि इंडिया की हर फिल्म अच्छी है और हमारी हर फिल्म बुरी है, मैं एक बुरी पाकिस्तानी फिल्म और अच्छी इंडियन फिल्म उसका एग्जांपल आपको देने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने जो फिल्म वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग वो नदीम साहब के साथ आपने प्रोड्यूस की, फिर वो रिलीज़ हुई, और फिर सलाखें मांडवी वाला ने रिलीज़ की, उस तजुर्बे को यूज़ किया ना मैंने सलाखें में, ओके, फिर मैंने पूरी फिल्म को मैच किया उन गानों के साथ कि इंडियंस ने जो आप मेरी फिल्म आज देखेंगे तो आपको हर चीज़ वो पूरी फिल्म शुरू से एंड तक क्वालिटी नज़र आएगी, आपको बीच में जंप्स नहीं नज़र आएंगे। लेकिन क्या वजह है कि आप ज़्यादातर क्या कंफर्ट फील करते हैं या केमिस्ट्री आपकी है कि नदीम साहब के साथ आप देखा है गया कि फिल्में उन्होंने रिलीज़ की आपकी, उसकी क्या वजह है? थिंकिंग, अगर आज मैं करता तो हो सकता कोई और होता, मतलब हमारी दोस्ती है, अच्छा इसका कोई ताल्लुक नहीं है बिजनेस से, लेकिन इसका कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि मैं हम क्यों, किसी और ने मुझे कहा नहीं, ही वॉज़ द फर्स्ट वन। उस ज़माने में डिस्ट्रीब्यूटर पंजाबी फिल्में ज़्यादा बन रही थी तो मुझे कोई डिस्ट्रीब्यूटर वो चाहिए था जो समझ सके आज के दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि आप अगर मेरी फिल्म की उस ज़माने में अगर आपको प्रमोशन याद है, मैंने बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रमोशन की थी उसकी। जी बिल्कुल, ये कभी नहीं हुआ। मैं एक और चीज़ जिसमें मैं बिलीव नहीं करता कि कभी भी डायरेक्टर को प्रमोशन डिज़ाइन नहीं करनी चाहिए, प्रमोशन एक टोटली अलग काम है। सलाखें की जितनी प्रमोशन थी वो डायरेक्टर ने नहीं की, ये आज मैं पहली दफ़ा आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, उसका जो ट्रेलर था वो जामी ने से बनवाया था, क्योंकि जामी कमर्शियल्स बनाता है जी, उसने पूरी फिल्म देख के और ख़ुद बनाया था, और आप आज भी उसका ट्रेलर देखें तो आपको ये नहीं लगेगा कि आप 20 साल पुराना ट्रेलर देख रहे हैं, वो आपको आज भी नया लगेगा, बिकॉज वो जामी का काम ही है।
आप इंडिया में भी जाके अगर ये रिसर्च करें तो वहाँ पे डायरेक्टर खुद नहीं बना रहा होता अपने ट्रेलर्स, अलग अलग लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। प्रमोशन का काम टोटली अलग लोग कर रहे होते हैं, उनकी एक्सपर्टीज है। जैसे लीवर ब्रदर्स जो है वो खुद अपनी एडवर्टाइजिंग खुद तो नहीं कमर्शियल बना रहे हैं ना, उन्होंने लोग नहीं रखे वो खुद बना लो, जैसे हमारे चैनल है ना, हर चीज़ अपनी रख लो और उससे करवा लो, कोई एक्सपर्ट से जाके काम नहीं करवा रहा। ये हमारी ट्रेजिडी है। लाहौर और कराची में इस वक्त बड़ा फासले हैं, वहाँ के लोग इनके साथ काम नहीं करना चाहते। बहुत सी हीरोइंस ऐसी मुझे ख़ुद मालूम है जो मेरे पास प्रूफ है कि जी उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया कि इनके साथ काम नहीं करेंगे जो जो लोग हैं, तो और फिर वो इनके साथ जो है वो कंफर्ट फील नहीं करते या करना नहीं चाहते। एक तो ये क्या वजूहात हैं, दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो हीरोज़ हैं जैसे फाहद मुस्तफ़ा और दीगर लोग, ये हर वक्त टेलीविज़न पे नज़र आते हैं, तो क्या ऐसा होना चाहिए या फिल्म का हीरो अलग हो? देखें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि लाहौर और कराची की वो हेट्रेड है। यहाँ कराची में मैं ओरिजिनली कराची से हूँ तो मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं कराची आई हूँ, नाउ लिविंग इन लाहौर। मेरा लाहौर से कोई ताल्लुक नहीं, मैं पंजाबी बोल भी नहीं सकता। अच्छा, समझ लेता हूँ, मैं बोल नहीं सकता। मैं पैदा भी वहीं हुआ और सारी ज़िंदगी वहीं रहा। वहाँ कौन सा एक्टर है सिवाय फहद मुस्तफ़ा के जो कराची का है? आप नॉन किसी का नाम लें, सब यहाँ से गए हैं। बल्कि आज आपके टॉप एक्टर्स कौन हैं? फवाद लाहौर में रहता है, अली ज़फ़र लाहौर में रहता है, शान लाहौर में रहता है, तो बाकी क्या रह गया, तो वहाँ का कौन है? लेकिन ये जो हीरोइंस हैं महवेश हयात है, लेकिन वो जिनके महवेश हयात अगर किसी माने, वो किस नदीम बेग कहाँ का है? उसने सारी फिल्में उसकी हिट जो है नदीम बेग के साथ है, नदीम बेग कहाँ का है? पक्का लौरिया। उसने सारी जिंदगी मेरे साथ यहाँ पे NTM में काम किया है, मेरे साथ पर्सनली उसने काम किया है सारा, वो लौरिया है। वो तो जब आज में उसका जॉब हुआ तो वो कराची गया, 12-14-15 साल पुरानी बात है, और तो यहाँ की पैदाइश है। तो मैं भी शायद ने सारी फिल्म में तो उसने कहा कि ये किसने आपको कहा कि वो लाहौर वालों के साथ काम नहीं करती, फिर नदीम के साथ क्यों कर रही है? जिसके लिए वो मना कर रही है मैं भी मना करूँगा, मैं भी कहूँगा नहीं करूँ जी। अब वो इत्तफाक है कि वो लोग जिन्होंने पंजाबी फिल्में बनाई थी वो सारे यहाँ थे, और वो उस वक्त जो पंजाबी फिल्में बनाते हैं उनके साथ काम नहीं करना चाह रही, तो आई डोंट ब्लेम दैम, देयर इज नथिंग रॉन्ग। भाई शान भी तो इन लोगों के साथ आप काम नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, खत्म। लेकिन ये आप कहेंगे कि ये कराची लाहौर, कराची वाले लाहौर वालों के साथ काम कर रहे हैं? नहीं, कर ही रहे हैं लाहौर वालों के साथ, वो सिर्फ वो लोग जो वहाँ चले गए वहाँ स्टैब्लिश हो गए। आप टॉप सारे लोगों के नाम लेंगे, मेजॉरिटी वहीं से ही है, चाहे एक्टर हो, चाहे एक्ट्रेसेस हो, चाहे डायरेक्टर्स हों, चाहे DPOs हों, जितने मेजर लोग हैं इंडस्ट्री के वो सारों का ताल्लुक यहाँ से, मेजॉरिटी का। जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे फहद मुस्तफ़ा के अलावा और किसी का नाम नहीं पता जो यहाँ पंजाब से नहीं है। हुमायूं का लाहौर कराची का, हुमायूं से सियालकोट का, आप नाम लेते जाएं किस किस के, फैसल कुरैशी कहाँ का, लाहौरिया है जी, फैसल कुरैशी कौन, मुझे नाम लेना है फहद मुस्तफ़ा के अलावा आप किसी को जानते हैं? इसका मकसद ये है कि जो वो इस टेक्निक के साथ लाहौर नहीं बल्कि इस टेक्निक के साथ वो काम नहीं करना चाहते जी, ये है बात जो मैं समझा जी, ये मैं आपको रीजन बता रहा हूँ। मैं भी नहीं उन लोगों के साथ काम करूंगा जिसके मैं भी मना कर रही हूँ, मुझे पता किस किस को उसने मना किया, मैं भी नहीं करूंगा। ये पुरानी दुनिया है भाई, ये काम खत्म हो गया, आज कुछ और दौर है। इस वक्त जब बड़े डायरेक्टर्स में नाम लेने, वो तो कराची नहीं गया, मैंने जैसे आपको 3 बड़े हीरोज़ का नाम बताया जो पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरोज़ हैं वो तो यहाँ रहे थे। डायरेक्टर्स में आप लेने, जिसने सारी इंडस्ट्री को स्टार्ट लिया है, नदीम बेग एक है जिसकी सबसे ज़्यादा हिट फिल्म है, एक वो शख्स जिसने पाकिस्तान का ये सिनेमा को रिवाइव करने में सबसे बड़ा रोल था उसका, वो जो कौन सी फिल्म थी जो पहली फिल्म जिसने कुछ 17-18 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था में, बिलाल अशारी लाहौरिया, उसके अब्बा से बड़ा लाहौरिया कौन होगा जैसे अंदरून शहर का बॉस है जी, बिल्कुल वो सारी जिंदगी लाहौर में रहा,
इस वक्त पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म, कौन सी हीरोइन है जो मना करेगी उसके साथ काम करने में? और उसने पंजाबी में बनाई है जी, और मायरा ने आके काम किया है मायरा ने पंजाबी बोली है, सीखी है उसके लिए। आप कह रहे हैं पंजाबियों के साथ काम नहीं करें। लेजेंड ऑफ मौला जेट के बारे में सर क्या कहते हैं? वो क्या, वो तो एक मुअम्मा सी हो गई है। मुझे नहीं पता कि ये बदकिस्मती उनकी है या बदकिस्मती हमारी है कि वो फिल्म के साथ पहले वो किसी और वजह से फंसी रही, फिर अब वो जब सारा मामला तय हो गए और वो फिल्म रिलीज होने के आई तो ये कोविड शुरू हो गया। आज अब डेढ़ साल दो साल से उसमें फंसी है। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे ज़्यादा किसी फिल्म का इंतज़ार नहीं हुआ, हिस्ट्री में मैं कहता हूँ जी बिल्कुल, कि इससे बड़ी फिल्म ये आज भी जब लगेगी और रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस करेगी जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। सब लाहौर के जी बिल्कुल बिल्कुल और ये सबसे बड़ी फिल्म है और पाकिस्तान की कोई हीरोइन में ये मजाल, इतनी हिम्मत नहीं हो सकती बिलाल लोशारी को मना कर सकते। कोई हीरो में हिम्मत नहीं हो सकती बिलाल लोशारी को मना कर दे। फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं जैसे फहद मुस्तफ़ा और दीगर लोग हैं, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि हर वक्त ये टेलीविज़न पे भी काम करें नज़र आएँ? और हीरो को कैसा होना चाहिए या हीरोइन को कि जी वो एक साथ? मैं इसमें कोई रूल्स नहीं है दुनिया में, उसका फहद मुस्तफ़ा का अपना हुआ है कि 24 घंटे वो करना चाहता है वो करता रहे। लेकिन जिस तरह पहले नदीम साहब और जो दीगर थे, नदीम का अपना स्टाइल था, हर कोई नदीम तो नहीं है ना, फहद मुस्तफ़ा का अपना स्टाइल है। चांद सिर्फ कमर्शियल करता है, नहीं नज़र आता है टेलीविज़न पे, तो उसको देखने के लिए लोग पैसा जब खर्च करते हैं वो कहते हैं मैं क्यों। टीवी पे तो कभी भी नहीं कराना चाहिए जो फिल्मों में हिट है, मैं तो नहीं समझता इसको, और दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता। उसकी लॉजिक मैं आपको लॉजिक बता सकता हूँ, बाकी मुझे एतराज़ वो क्या करना चाहता है फहद मुस्तफ़ा, मुझे मैं कौन होता हूँ उसके उसने नहीं, ये जो आप लॉजिक की बात कर रहे हैं, मैं अपनी लॉजिक दे सकता हूँ कि दुनिया में देखें टिकट लेके आप जिसके लिए देखते हैं ना उसको आप फ्री नहीं वो अपने आप को दिखाता कहते, उसकी वो वैल्यू कम हो जाती है। इसीलिए जो लोग टीवी पे आते हैं उनकी फिल्मों को बड़ा रिसेप्शन नहीं मिलता, जिनकी फिल्मों को बड़ा रिसेप्शन मिलता है वो होते हैं जिनको सिर्फ आप फिल्में देख सकते हैं, वो टीवी पे एक्टिंग नहीं करते आगे। आप अपने नेबर में मिसाल ले सकते हैं, आप हॉलीवुड की मिसाल ले सकते हैं, कोई बड़ा एक्टर नहीं है जिसने कभी टीवी पे काम किया हो, अगर करता है वो कुछ शो कर देता है इंटरव्यू के लिए, अपनी फिल्मों की प्रमोशन के लिए आता है वो टीवी, लेकिन उस वक्त वो एक रियल इंसान के तौर पर आता है, वो कैरेक्टर लेके नहीं आता। ठीक, इस लॉजिक के तहत मैं समझता हूँ कि ये आर्टिस्ट को करना चाहिए और ये प्रोड्यूसर्स को फोर्स करना चाहिए। मैं ऐसे एक्टर को मैं कभी नहीं हायर करूँगा जो टीवी पे आता है, अगर मैं लूँगा तो मैं उसको बोलूँगा छोड़ो। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे सवाल आपके मुफसिल जवाब दिए। इंशाल्लाह इसी तरह की नशिस्त आइंदा भी कभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कयामत वो रात होगी।